सुल्तानपुर में बदमाशों ने एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सुल्तानपुर में रहने वाला वो नौजवान किसी काम से बाहर निकला था लेकिन फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटा, और अगर कुछ लौटा तो वो थी उसकी लाश। जी हाँ, उसका कत्ल कर दिया गया लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। जहां इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है तो वहीं अब पुलिस के इकबाल पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। मामला सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में मौजूद बुद्धि मिश्र का पुरवा का है, जहां रहने वाले अवधेश पाल किसी काम से शाम ढले घर से बाहर निकले थे लेकिन फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। परिवार ने भी तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन अचानक ही गांव के बाहर किसी की लाश पड़ी होने की खबर मिली। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के बाहर लाश की खबर मिलते ही अवधेश पाल का परिवार भी मौके पर पहुंच गया लेकिन वहां का मंजर देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने किसी और की नहीं बल्कि अवधेश पाल की लाश पड़ी हुई थी। अवधेश की लाश को देखकर परिवार पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कल दिन में सरैया ग्राम सभा है, वहाँ पे काम किए, उसके बाद शाम को आए 5 बजे घर, नहा धो के नहर पे निकले, नहर पे 8 बजे तक नहर पे थे, उसके बाद उनको पता नहीं चला। 8 बजे बाद घर आए कि बाहर गए वे हमें नहीं पता है। नहीं तो फिर कैसे आपने जाना कि ये घटना हुई? घटना मुझे 5 बजे सुबह मिली, 5 बजे सुबह इनके पेट में चाकू मारा गया था, ये उल्टे पड़े हुए थे। जब पुलिस आई तो पुलिस बाहर निकाला उनको, तब जो है पेट में तब चाकू मारा दिखाई दिया, नहीं उसके पहले कुछ नहीं पता। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। रिहायशी इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया था लिहाजा पुलिस ने भी पहुंचने में जरा भी देर नहीं की। आज सुबह गोसाईगंज थाना के गांव बशौवा बुद्धि मिश्र का पुरवा में एक अवधेश पाल नाम के व्यक्ति के डेड बॉडी पाई जा गई है, जिसमें इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। इस पे पेट में इसे चाकू मार के या कोई धारदार नुकीला चीज से प्रहार किया गया और आंत बाहर आ गई है। इस संबंध में पोस्टमार्टम किया जा के लिए अंचारनामा भर के भेजा जा रहा है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इसका कारण पता किया जाएगा और इसमें जो अभियुक्त लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक अधिक लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।